नमस्ते, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं टू व्हीलर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये है मेरे पास TVS जुपिटर BF6 और इस गाड़ी में जो है एयर फिल्टर में इंजन ऑयल आ गया है, तो इसको हम एयर फिल्टर को क्लीन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आखिर एयर फिल्टर में इंजन ऑयल क्यों आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, जब हमारी गाड़ी के एयर फिल्टर में इंजन ऑयल आ जाता है तो यहाँ से लीक होता रहता है, और इस गाड़ी में भी ऐसा ही है, यहाँ से लीक हो रहा था, ये आप देख पा रहे होंगे। और तो इन्होंने क्या किया, कपड़े से ये साफ़ करते थे, पर इसमें इंजन ऑयल भरा हुआ है तो कहाँ तक साफ़ करेंगे आप। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको इस कंडीशन में क्या करना है। अगर एयर फिल्टर में इंजन ऑयल आ गया है तो सबसे पहले इसको यहाँ से खोल दें और इसको निकाल दें, तो यहाँ से ऑयल निकलेगा। ये आप देख पा रहे होंगे कितना इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है, ये देखिए। और इस तरीके से जितना भी इसके अंदर ऑयल है वो निकाल दें, और फिर आप इसको चलाएं ना गाड़ी को, बस मैकेनिक के पास ले जाके और इसको अच्छी तरह से एयर फिल्टर को क्लीन करवाएं, नहीं तो इसके अंदर जो एयर फिल्टर होता है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब हम जल्दी से इसको खोल के क्लीन करेंगे अच्छी तरह से, और फिर वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा आखिर एयर फिल्टर में इंजन ऑयल आता क्यों है। तो दोस्तों, हमने डिग्गी वगैरह पहले से खोल रखी है, तो चलिए जल्दी से हम इसको एयर फिल्टर को बाहर निकाल लेते हैं, फिर मैं देखता हूँ इसके अंदर इसकी क्या कंडीशन है। देख पा रहे होंगे आप इसके अंदर पूरा इंजन ऑयल, फिर ये देखिए। और शुक्र है दोस्तों, ये एयर फिल्टर का बचाव हो गया है, एयर फिल्टर भी ख़राब नहीं हुआ ज़्यादा, बस यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे इंजन ऑयल लग गया है। तो मैं आपको यही बताता हूँ, अगर आपकी गाड़ी में भी एयर फिल्टर में इंजन ऑयल आ गया है तो गाड़ी को ज़्यादा चलाएं ना, बस मैकेनिक के पास ले जाएं और क्लीन करवा लें ताकि ये एयर फिल्टर ख़राब ना हो। अगर आप गाड़ी को चलाते रहते हैं तो ये एयर फिल्टर ख़राब हो जाएगा, तो इसमें अगर पूरे में इंजन ऑयल लग जाएगा तो एयर फिल्टर ख़राब हो जाएगा। तो अभी हम चलिए इसको जल्दी से क्लीन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, हमने एयर फिल्टर को अच्छी तरह से क्लीन करके फिट भी कर दिया है, मैं आपको एक बार गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये गाड़ी बिल्कुल ओके है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ आखिर एयर फिल्टर में इंजन ऑयल आता क्यों है। तो पहला कारण मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारी गाड़ी गिरती है और गाड़ी बंद नहीं होती है, गाड़ी स्टार्ट ही रहती है, तो इंजन जो है वो एक साइड को टेढ़ा हो जाता है, तो इंजन ऑयल को इंजन बाहर फेंक देता है, वो आ जाता है एयर फिल्टर के अंदर। तो ये है पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि जब हम अपनी गाड़ी को साइड वाले स्टैंड पे लगाते हैं और बाद में पहले साइड वाले स्टैंड पे गाड़ी को लगा देते हैं, बाद में हम चाबी को बंद करते हैं, तो ये है दूसरा कारण। जैसे कि हमने गाड़ी को साइड वाले स्टैंड पे लगाया और स्टैंड जो है वो ज़्यादा मिट्टी के अंदर कई बार घुस जाता है, तो हमारी गाड़ी जो है वो ज़्यादा टेढ़ी हो जाती है, तो इस कारण भी इंजन ऑयल आ जाता है एयर फिल्टर के अंदर। और तीसरा कारण यह है कि इसके अंदर ऑयल की क्षमता है 750 ml, तो 750 ml से अगर ज़्यादा इंजन ऑयल पड़ेगा तो वो इंजन बाहर फेंक देगा, तो तब भी आ जाएगा एयर फिल्टर के अंदर। तो ये है तीन कारण इंजन ऑयल जो है एयर फिल्टर के अंदर जो आता है। तो ये तीनों चीज़ों पे आप ध्यान दें तो एयर फिल्टर के अंदर इंजन ऑयल नहीं आएगा। तो पहला कारण यही है सबसे बड़ा कारण, और ये सिर्फ BS6 गाड़ियों में है। तो वो 6 गाड़ियों में क्यों है तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले रिपीट कर देता हूँ मैं आपको दोबारा, पहला कारण ये है कि जब हमारी गाड़ी गिरती है और गाड़ी बंद नहीं होती है, गाड़ी स्टार्ट ही रहती है, तो जो इंजन है वो एक साइड को टेढ़ा हो जाता है, तो इंजन
जो है वो इंजन ऑयल को बाहर फेंक देता है, वो आ जाता है एयर फिल्टर के अंदर। तो ये पहला कारण है। और दूसरा कारण ये है कि जब हम अपनी गाड़ी को साइड वाले स्टैंड पे लगाते हैं और गाड़ी को बंद नहीं करते हैं, पहले हम साइड वाले स्टैंड पे लगा देते हैं और फिर हम चाबी को बंद करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको क्या करना है, पहले आपको गाड़ी को बंद करना है और फिर आपको साइड वाले स्टैंड पे लगाना है। तो इस तरीके से करना है। और आप इंजन ऑयल का ध्यान रखें, 750 ml ही इसके अंदर डालना है। और अगर आप 750 ml से ज़्यादा डालेंगे तब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, तो आपको ज़्यादा इंजन ऑयल नहीं डालना है। तो इंजन ऑयल वैसे ज़्यादा पड़ता नहीं है, कई बार ऐसे ही पड़ जाए। तो सबसे मेन यही कारण है कि इसका इंजन जो है गिरने से होता है, दूसरा साइड वाले स्टैंड पे लगाने से होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ आखिर BS6 गाड़ियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों आती है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसकी है पाइप, इसके थ्रू इंजन ऑयल जो है एयर फिल्टर में आता है। तो जो BS4 गाड़ियों में क्या था, ये पाइप यहाँ से आती थी, यहाँ से, और ये पाइप उठी हुई थी तब जाती थी इसके अंदर। तो इसमें कुछ ये नीचे नीचे है तो इसके कारण भी आता था। तो ये जब पाइप यहाँ से उठी होगी तो इंजन ऑयल अगर फेंक भी देगा इंजन, तो वो जब पाइप उठी होगी तो वापस से थोड़ा इंजन ऑयल जो है अंदर पहुंच जाएगा। तो इससे क्या है, ये पाइप जो है बहुत नीचे से दी हुई है तो इस गाड़ी में, BS6 गाड़ी में, तो इसके कारण इंजन ऑयल भी जल्दी आ जाता है। और अगर ये पाइप थोड़ी सी उठी हुई होती तो इसके अंदर इतनी आसानी से नहीं आता इंजन ऑयल। तो ये है तीनों कारण। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये गाड़ी इसमें इंजन ऑयल क्यों आया था मैं आपको बता देता हूँ। वो आप सामान देख पा रहे होंगे, वो इसका पड़ा हुआ सामान, ये गाड़ी गिर गई थी और इसके कारण आया था इंजन ऑयल एयर फिल्टर के अंदर। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।